चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के भंडारा में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। एक घर की छत गिरने से कई लोगों के घायल होने की खबर है। 30 से 40 महिलाएं इसमें घायल हुई हैं। गणपति विसर्जन देखने के लिए छत पर लोग इकट्ठा हुए थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। एक घर की छत गिर गई, कई लोग इसमें घायल हो गए। 30 से 40 महिलाएं इस हादसे में घायल हुई हैं। ये देख लीजिए तस्वीरें, महाराष्ट्र के भंडारा की गणपति विसर्जन, जहां लोग गणपति बप्पा को नमांकों से विदाई दे रहे थे। देखिए यहां पर किस तरीके से यात्रा निकाली जा रही थी पूरी, और उसी समय घर की छत पर जो महिलाएं खड़ी थी गणपति विसर्जन की यात्रा देख रही थी, अचानक से छत देखिए भरभराकर कैसे गिरती है। देखिए अचानक से ये छत गिरी और 30 से 40 महिलाएं देखिए किस तरीके से यहां पर नीचे गिरती हैं और घायल हो जाती हैं। अफरा तफरी का माहौल, मौके पर गणपति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। नम्रता दुबे हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। नम्रता, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बहुत भयावह लग रही हैं तस्वीरें देखने में, और घायलों की स्थिति क्या है फिलहाल? देखिए पूजा, भंडारा के अंबेडकर चौक की तस्वीर है, जहां पर विसर्जन के दौरान जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तब ये बड़ा हादसा हुआ है। जो छत थी एक मंजिला इमारत की, वो पूरी की पूरी ढह गई, जिसके चलते 30 से 40 महिलाएं जो हैं वो घायल हुए हैं। कई बच्चे भी इसमें घायल हुए हैं। जो घायल हैं उनको सर और पैर में जो है हल्की चोटें आई हैं। जो बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा चोट आई, जिनका इलाज जो है पास के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। गनीमत ये रही कि शोभा यात्रा के दौरान कई सारे एम्बुलेंस जो थे वो वहां पर मौजूद थे, तो तुरंत एक्शन लेते हुए इन तमाम लोगों को जो है पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उसके बाद मलबा हटाकर लोगों को वहां से निकालने की भी पूरी जो प्रक्रिया है वो तुरंत शुरू कर दी गई, जिसके चलते थोड़ी सी राहत हुई और ज्यादा कोई जो बड़ी घटना है वो नहीं हो पाई। जो बाकी घायल है उनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल जो म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन है भंडारा का, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है कि क्या बिल्डिंग अवैध थी और क्या इसका जो ऑडिट है वो नहीं किया गया। तो इस तमाम चीजों को लेकर जांच जो है वो फिलहाल चल रही है, लेकिन बड़ी बात है कि किसी की मौत की इस पे जानकारी सामने नहीं आ रही। घायलों का इलाज जो है पास के सरकारी अस्पताल में लगातार चल रहा है। जी शुक्रिया नम्रता आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए शोभा यात्रा गणपति विसर्जन के दौरान यहां पर निकाली जा रही थी और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, नृत्य करते हुए शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसी समय घर की छत पर लोग खड़े होकर इस शोभा यात्रा को देख रहे थे। अचानक से ये छत गिरती है और इसमें कई लोग इस छत से नीचे गिर जाते हैं। 30 से 40 महिलाओं के घायल होने की खबर मिल रही है।